नमस्कार, आज मैं सिंघाड़े का सलाद बनाऊंगी। शायद आपने सुना भी नहीं होगा, खीरे का, टमाटर का, और तो हम हर चीज़ का सलाद खाते हैं, लेकिन सिंघाड़े का सलाद थोड़ा यूनिक है, तो मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े का सलाद। सिंघाड़े का सलाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें सिंघाड़े लिए मैंने, और एक खीरा लिया है, इनको छीलेंगे, और एक नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, आप चाहे तो काला नमक भी ले सकते हैं, और एक सूखी हुई लाल मिर्च ली है मैंने, और दो चार तुलसी के पत्ते मैंने लिए हैं, बेसिल लीव्स, आप चाहे तो हरा धनिया ले सकते हैं इसकी जगह, और चीनी ली है मैंने आधा चम्मच। ये मूंगफली का पाउडर है, बस मूंगफली को मैंने हल्का सा रोस्ट करके और मिक्सी में पीस लिया है, उसका चूरा बना लिया एकदम बारीक। और ये बर्फ़ का पानी है एकदम ठंडा, इसमें हम सिंघाड़े छील के डालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंघाड़े को हम छील लेंगे, हाथ से छील लें या चाकू से। और इसके बाद में इसको डायरेक्ट ठंडे पानी में डालना है ताकि काले ना पड़े। एकदम ठंडा पानी लेना है बर्फ़ का, क्योंकि अगर बाहर आप छील के रख देंगे तो ये काले जल्दी हो जाते हैं, ये काले ना पड़े इसलिए हम डायरेक्ट बर्फ़ के पानी में डालेंगे इसको। सिंघाड़े डाल दिए छील के हमने, अब खीरा काटते हैं। पहले आगे पीछे से इसके किनारे अच्छे से काट लें और छीलेंगे इसको, आप चाहें तो पिलर से भी इसको छील सकते हैं। पहले थोड़ा चख लें इसको, कई बार खीरा कड़वा निकल जाता है, तो थोड़ा सा अगर आपको लगे कि कड़वा निकल रहा है या हो साइड से कड़वा है, तो थोड़ा नमक घिस लें इसके दोनों किनारों पे। नमक घिसने से इसकी कड़वा दूर हो जाएगी, कड़वापन चला जाएगा इसका, इस तरीके से। और अब एक प्लेट लेंगे, उसमें काटेंगे इसको, बीचों बीच पहले काट लेंगे इसको इस तरीके से, और उसके बाद में इसमें बीज पके हुए नहीं है, कई बार खीरे में पके हुए बीज बड़े बड़े निकलते हैं तो उनको अलग कर दें, इसमें ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो मैं ऐसे ही काट रही हूँ। पतले पतले इसके स्लाइस करने हैं हमें। छोटे छोटे टुकड़े इसके कर ले आप। पहले बीज से काट लें, हो गया। अब एक बाउल लेंगे और उसके अंदर ये खीरे और ये जो सूखी हुई लाल मिर्च मेरे पास है, इसको तोड़ के बीज से इसके बीज निकाल देंगे, बीज नहीं चाहिए हमें तो इसके बीज निकाल दें। ये देखिए सारे बीज निकल जाएंगे इसके, और इसी तरह से ये भी, और इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े आप कर लें। आप चाहें तो इसको मूंगफली के साथ पीस सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। इसके बीज निकाल देंगे, बीज इसलिए निकाल रही हूँ, बीज थोड़े से तीखे होते हैं तो तीखापन हमें नहीं चाहिए क्योंकि सलाद बना रहे हैं। इसके बाद में डालेंगे हम ये मूंगफली, इसके बाद में सिंघाड़े, पानी नहीं डालना है, सिर्फ ये सिंघाड़े निकाल के और ये डालने हैं। उसके बाद में नींबू का रस और नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद में ये चीनी, आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, और ये बेसिल लीव्स, और अच्छे से इसको मिक्स करना है। और लीजिए तैयार है हमारा सलाद, इसको अच्छे से सर्व करना है। अब इसको एक अलग से बाउल में निकाल देंगे। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है,
और आप चखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा ये। और इसके ऊपर से थोड़ी सी ये पिसी हुई मूँगफली, हल्का सा मूँगफली का पाउडर। लीजिए, तैयार है हमारा सिंगाड़े का सलाद।